हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः AITT ऑल इंडिया टेट टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले आपके अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्रिल प्लेट यह ड्रिल बुश को पकड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ड्रिल प्लेट होता है वो ड्रिल बुश को पकड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साइज के कई होल्स को काटना होता है तो होल सा का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक समान साइज के आपको कई होल्स करने हो तो वहाँ पे आप होल सा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, असमान वर्कपीस को डायनेमिकली बैलेंसिंग के लिए बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसा वर्कपीस जो असमान है, जिसकी डायमेंशन सही नहीं हो, ठीक है, डायमेंशन सही नहीं हो, वहाँ पर हम बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बुश तीन प्रकार के होते हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। ड्रिल बुश एक्चुअली तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है प्रेस फिट, ठीक, सॉरी, और दूसरा होता है रिन्यूएबल, और तीसरा होता है लाइनर। ये तीन प्रकार के आपके ड्रिल बुश होते हैं, प्रेस फिट, रिन्यूएबल बुश और लाइनर बुश। ये तीन प्रकार के आपके ड्रिल बुश होते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड के कैलिपर गेज का प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार करके नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शंख की का आकार आयताकार होता है। शंख की या सडल की, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन या आकार कह लीजिए, जो है आयताकार या रेक्टेंगुलर होता है। नेक्स्ट है, कैप नट का प्रयोग बोल्ट के सिरे के थ्रेड को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कैप नट एक्चुअल होता क्या है, ये एक प्रकार का जब का नॉर्मली हेक्सागोनल नट होता है उसी के प्रकार का होता है, और ऊपर से एक इसमें कवर बनी होती है कि जिसकी वजह से बाहर से आने वाले किसी प्रकार के धूल कण या पानी से क्या होते हैं, जो बोल्ट होता है वह नहीं, क्या होता है, बोल्ट उसके संपर्क में नहीं आता, तो थ्रेड क्या होती है, खराब होने से बच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम का गलनांक 320 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसे कि कैडमियम है, इसी प्रकार अन्य मेटल भी होते हैं, उनका गलनांक भी अलग अलग होता है, जैसे कि अगर एल्युमिनियम की बात करें तो 648, ठीक है, और आयरन आपका जो लोहा होता है शायद 1539 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और आपका कास्ट रॉट आयरन जो होता है अराउंड 600 इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लैब को बनाने में उपयोग होने वाला सबसे उत्तम मटेरियल कास्ट आयरन है, और साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनी आयताकार बार होती है, जो साइन बार होती है वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनी हुई आयताकार बार होती है, यानी कि साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। अब साइन बार से संबंधित कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि साइन बार का पूछा जाता है कि साइन बार किस लिए भी यूज होता है, तो ये एंगल एक प्रकार का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो 1 डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल या टेपर को मापने के उपयोग में लाया जाता है, इसके साथ यह उपयोग किया जाता है स्लिप गेज के साथ में एक्चुअली, ठीक है। और इस यह पूछा जाता है कि इसका साइज कैसे लेता है, तो इसमें दो रोलर बने होते हैं, ठीक है, इन रोलरों के सेंटर के मध्य की दूरी से हम क्या करते हैं, साइन बार का साइज लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, तो हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि साइन बार किसके प्रिंसिपल पर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना कि साइन बार जो है साइन थीटा के आधार पर कार्य करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो से मिला होगा। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर किसी प्रकार की आपकी किस प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।